सर ये कुछ पेपर्स। कामरान जी सर, तुम्हें क्या लगता है जो आज साजिद साहब ने बात की है एफरा के बारे में, क्या मतलब है इसका? सर मैं तो खुद हैरान रह गई सुनकर। इफ्रा भाभी ने ऐसा क्यों कहा समझ नहीं आया सर। वही ना, लेकिन उन्होंने जितने एतमाद से ये बात की है इसका मतलब है इफ्रा ने वाकई कोई ऐसी बात की होगी, वरना उन्हें क्या खबर, वो तो जानते भी नहीं है उसे। सर तमीजुद्दीन साहब को जितना मैं जानता हूं उन्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को तालीम नहीं दिलवाई, वाजबी से तालीम दिलवाई है बस। हाँ जब इफ्रा भाभी अपनी वालदा के पास गई थी तब शायद सर, लेकिन आपने खुद उनसे नहीं पूछा कि वो कितना पढ़ी हैं? नहीं, इस बारे में हमारी बात नहीं हुई। तुम तो जानते हो किन हालात में हमारी शादी हुई थी, इसके बाद ऐसी बातों की क्या गुंजाइश रह जाती है। सर शादी जैसे भी हो है तो एक हकीकत ना, बहुत मजबूत और मुकद्दस रिश्ते में बंधी है वो आपके साथ, गुंजाइश तो खुद ही निकलती चली जाती है। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। ओ नहीं, इट्स ओके। वैसे सर इफ्रा भाभी बहुत अच्छी हैं, ऑफिस के जिस फंक्शन में आपके साथ आई हैं हर किसी ने उनकी तारीफ की है।